अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गुलगुले की रेसिपी, यानी कि मीठे भोंडों की रेसिपी। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे, उसमें मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 कप भरकर मैदा, 1 कप भरकर गेहूँ का आटा, 1/2 कप सूजी, 1/2 कप शुगर। उसी के साथ मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ सौंफ और इलायची का दरदरा सा पिसा हुआ पाउडर, 1 चम्मच तिल। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमें इसको अच्छे से मिक्स करके एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे इस तरह से। थोड़ी सी भी इसमें लम्स नहीं रहनी चाहिए, हमें अच्छे से मिक्स करते हुए लम्प फ्री बैटर बना लेना है। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए, ना पतला होना चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। नेक्स्ट अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 पिंच सोडा, इसको भी हमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ऑयल को गरम कर लिया है। ऑयल थोड़ा सा गरम हो जाए तो गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके बैटर ऐड करते जाएंगे। बैटर ऐड कर देने के बाद आप देख सकते हैं ये किस तरह से फूल रहे हैं। एक साइड मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसको पलट कर दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमें इसको ज़्यादा काला नहीं करना है। यहाँ पर हमारे गुलगुले अच्छे से फ्राई हो गए हैं, हम इसको एक छन्नी में निकाल लेंगे। सेम प्रोसेस में हम सेकेंड बैच में भी इसी तरह से थोड़ा थोड़ा बैटर हम ऐड करते जाएंगे और दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई करके हम इसको निकाल लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 2 मिनट में हमारे गुलगुले फ्राई होकर तैयार हो जाते हैं। आप देख सकते हैं हमारे गुलगुले बनकर यहाँ पर तैयार हो गए हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।